हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। चैनल 5 हिंदी में आपका स्वागत है। आज के एक इकोनॉमिक पेपर में, फाइनेंशियल पेपर के अंदर एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है। एडिटोरियल आया है टैक्स टू जीडीपी रेशो, यानी कि आपका जो जीडीपी है उसके मुकाबले आप टैक्स कितना इकट्ठा करते हैं। अब ये एक आईना भी है एक कंट्री की रियल ग्रोथ का, इसलिए कि टैक्स रेवेन्यू ही एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जो फिक्स्ड है, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। अभी आप पिछले 3-4 दिन से चर्चा है जहां पे एमसीए 21 यानी कि जीडीपी ग्रोथ को जो आंकड़े हैं उसको नापने के लिए 36% कंपनियां ऐसी हैं जिनको कंप्यूट किया जा रहा है, जो शेल कंपनियां हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं हिंदुस्तान में, और उनके डेटास को जीडीपी ग्रोथ में लिया जा रहा है। बहुत हल्ला मचा इसके ऊपर। सरकार कहती है नहीं, एमसीए 21 ठीक है, यानी कि एक तरफ सरकार ने कहा कि हमने शेल कंपनियों को हिंदुस्तान से हटा दिया और वो बेसिकली फ्रॉड करती थी, और ऊपर से आप 36% कंपनियों को जो कंप्यूट कर रहे हैं इंडिया के अकाउंटिंग सिस्टम में, उन फ्रॉड कंपनीज को आप लेके आ रहे हो, उनका आप जो आउटले जो है या उनका जो सो कॉल्ड एनुअल जो उनका जो सेल्स है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। उनकी सेल है ही नहीं, जीरो है, वो नॉन एग्जिस्टिंग ऑन द पेपर है। है तो हैरानी वाली बात। तो टैक्स टू जीडीपी रेशो में बात कर रहे थे तो इसमें ये बताया गया कि 2004 के अंदर जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तब जो बजट आया था उसमें जीडीपी का जो कलेक्शन जो टैक्स रेशो था वो 8.9% था। अच्छा था, बुरा नहीं था। 2009 के अंदर जो था मनमोहन सिंह के समय में, जब उनका एक टेन्योर खत्म हुआ और दूसरा आता है, उस टाइम जो टैक्स कलेक्शन था 11% था जीडीपी का। ये टैक्स रेशो हर साल बढ़नी चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 2009 के अंदर ये 11% थी। 2014 में 15 की बात की जाए, जब मोदी जी का साल होता है, तो ये टैक्स टू जीडीपी रेशो हो गई 10%, ये कम हुई। 2017 में चूंकि डीमोनेटाइजेशन आया था तो वहां पे बहुत लोगों के टैक्सेस एक्स्ट्रा आए, क्योंकि लोगों को अपने पैसे बैंक में जमा कराने पड़े और इनकम टैक्स ने उसके ऊपर टैक्स काटा, वहां पे ये बढ़ के हो गया 11.2%, यानी कि ये लगभग वही आ गया जो 2009 के अंदर मनमोहन सिंह का एवरेज था, कि जितना जीडीपी है उसका 11% टैक्स के रूप में आता था, और 2019 में भी ये 11.2% ही रह गया, जबकि टारगेट था 11.9%। तो 0.7% का हमारा टैक्सेस का डाउनफॉल हुआ है, और मैंने इसके ऊपर पहले बात भी की है कि ऑलमोस्ट 1,60,000 करोड़ का टैक्सेस शॉर्ट कलेक्ट हुआ। अब ये टैक्सेस तो शॉर्ट कलेक्ट हो गए, इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 20 है, जो 19-20 जो है, इसमें 19.1% का इंक्रीज दिखाया है, लेकिन वो रिवाइज टारगेट पे था, ना कि एक्चुअल टारगेट। अब एक्चुअल टारगेट के ऊपर जो इनको रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए वो 29% है, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना रेवेन्यू तो 2 साल में आता है, 1 साल में नहीं आता है। तो मोदी जी के टाइम के अंदर देखा जाए तो हम वापस 2009 में वापस आ गए। 2009 में 11% ऑफ टैक्सेस होते थे जीडीपी के, अब 2019 में 11.2% है, यानी कि देखा जाए तो पिछले 10 साल में जो हिंदुस्तान में वृद्धि हुई है उसमें 5 साल का मनमोहन सिंह का टाइम भी है, 5 साल का मोदी जी का टाइम भी है, तो इसमें टोटल जो वृद्धि हुई है 0.2%, यानी कि 1% का सिर्फ 20%। डायरेक्ट टैक्सेस का जो हिस्सा है इसके अंदर 6% का जीडीपी का, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी एक्साइज और कस्टम्स हैं वो 5.2% है। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है ये जो कि आपका जीएसटी है, एक्साइज और कस्टम्स है, ये 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस साल जो डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट हुए 6% ऑफ जीडीपी इकट्ठे हुए हैं, यानी कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स जो कंपनीज पे लगाया जाता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन था 2008 के अंदर, आज से समझो 11 साल पहले, वो 6% था। आपको हैरानी होगी सुन के कि 2019 के अंदर भी ये कलेक्शन 6% है।
ये लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स एसएससीज बहुत बढ़ गए हैं, बहुत वृद्धि हो गई है और लोग अब पेमेंट कर रहे हैं, पर नतीजा वही ढाक के तीन पार, आपका टैक्स कलेक्शन फिर 6% का, 6% जीडीपी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 08 के अंदर, यानी कि आज से 11 साल पहले, मनमोहन सिंह का मिडिल पीरियड लगा सकते हैं उसको, वहाँ पे जो जीडीपी की जो नॉमिनल ग्रोथ थी वो 15.1% थी, और 2019 के अंदर जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 10.2% है, यानी कि 2/3 रह गई। कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है जहाँ पे हम ये कहें कि मोदी सरकार में कुछ हुआ, सीधा साधा हर आंकड़ा उनके खिलाफ जाता है। ये इकोनॉमी के मिसमैनेजमेंट का एक अद्भुत नमूना है, अद्भुत नमूना जी है, कि इकोनॉमी इतनी मिसमैनेज्ड हुई है। मनमोहन सिंह के टाइम पे 2009 और 14 के बीच में इकोनॉमी मिसमैनेज्ड हुई, हम स्वीकार करते हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, देश को भुगतना पड़ा, और उसके फलस्वरूप मोदी गवर्नमेंट आई। लेकिन मोदी गवर्नमेंट कोई उसमें खास काम नहीं कर पाई, वही की वही, बल्कि 54 लाख करोड़ का जो 54 ट्रिलियन डॉलर का जो हमारा डेट था, कर्जा था, वो बढ़ के 82 लाख करोड़ यानी कि 82 ट्रिलियन रुपी हो गया, 50% इंक्रीज हो गया। हिंदुस्तान और कर्जदार हो गया, हिंदुस्तान डेट ट्रैप में चला गया, हम कर्जे में डूब चुके हैं। ये आंकड़े आज के एक बहुत बड़े पेपर से आए हैं, रिलायबल पेपर, और ये इस बात का तारा मारा बताते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी दरअसल नीचे जा रही है। इन 5 सालों में भारत आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से नीचे गया है। चैनल 5 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एंड में। शुक्रिया।